खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। खिलचीपुर एसडीएम प्रवीण प्रजापति, तहसीलदार विनीत गोयल सहित राजस्व विभाग की टीम नगर पालिका के अमले के साथ अतिक्रमण अभियान चलाते हुए तीन मकानों को जेसीबी के पंजे से जमी दोज कर दिया गया। आज सोमवारिया में नाथ जोगी समाज के शमशान को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए दो जेसीबी लेकर टीम के साथ एसडीएम एवं तहसीलदार पहुंचे और यहां किए गए कब्जे हटाए गए और यहां रह रहे लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देते हुए मकान खाली करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं रोड पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए। यहां दो मकानों को भी जेसीबी की मदद से रौंद दिया गया जिनमें सिर्फ ताले लगे हुए थे और कोई रह नहीं रहा था। वहीं टीम ने मॉडल स्कूल परिसर को भी अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया। यहां लोगों ने कब्जे करने के लिए पत्थर डाल दिए थे, वहीं निर्माण सामग्री भी डाल दी थी जिसे हटाया गया। इसी दौरान यहां रखी निर्माण सामग्री हटाने की कार्यवाही कर रही जेसीबी पर एक युवक ने पत्थर फेंके जिस पर उसको तहसीलदार ने जमकर फटकार लगाई और पुलिस कार्यवाही की चेतावनी दी। तहसीलदार ने बताया कि मॉडल स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को नोटिस देकर हटाया जाएगा। आपको बता दें कि खिलचीपुर में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने, अतिक्रमण करने और फिर लोगों को मकान बनाने के लिए बेचने का धंधा काफी अरसे से चल रहा है। पूर्व में पटवारियों की सांठगांठ से शासकीय भूमि की हेराफेरी के मामले भी जांच में लंबित हैं। विगत दिनों से जो मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल खिलचीपुर और सोमवारिया का जो शमशान है उस पर अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हो रही थी, तो आज एसडीएम महोदय के निर्देशन में जो अस्थायी रूप से मकान बना लिए थे और कुछ मकान ऐसे बना लिए थे जो इनमें कोई निवास नहीं कर रहा है और उसको अनावश्यक बना के रख लिया है और जो अस्थायी अतिक्रमण था उसको हटवाया गया है। आगामी भी इस तरीके की कार्रवाई की जाती रहेगी। खबर समय जगत के लिए खिलचीपुर से संवाददाता मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।